सरफराज विक्की उर्फ सुसरा मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ प्रोटेस्ट कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर इश्तियाल में है, गुस्से में है। वहीं पर सरफराज सुसरा साहब उन्हें हंसाने के लिए आ गए और यहां पर काफी एंजॉय कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सुसरा साहब रोटी खा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने पलियों नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा आज हम आपसे सियासी सवाल करते हैं। जी बिल्कुल, आपका काम बिल्कुल है। जी जी बिल्कुल। क्या आप मुनासिब समझते हैं कि इमरान खान साहब को महज एक सिग्नेचर के लिए यहाँ पर बुला लिया गया? नहीं, गलत बात है, जबकि कानून में और बहुत सारी शिकें हैं, वहाँ भी साइन हो सकता था, हर चीज़ हो सकती थी। और खान साहब को यहाँ बुलाना, ये देख लें फिर आप क्या हाल है, बुलाने का देख लेना नतीजा क्या है कि तमाम रोड ब्लॉक हैं, पब्लिक बाहर निकल आई है, सारी आवाम आ गई है। मैंने देखें, मैं ना इस टाइम एज ए एंकर बात कर रहा हूँ, ना एज ए आर्टिस्ट बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इतने फ़ैन इमरान खान जुल्फ़िकार अली भट्टो के बाद मैंने अगर किसी को देखा है ना, वो खान साहब को देखा है कि दुनिया कितनी पागल है उनके। अच्छा सरफराज भाई, आप मुझे ये बताएं यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम आप कैसे देख? सर वो बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि पीछे हमला हो गया खान साहब के ऊपर, उस टाइम भी सिक्योरिटी नाकिस थी और अब भी इनको सिक्योरिटी देनी चाहिए कि खान साहब के साथ कुछ भी हो सकता है। हमारे कई ऐसे लीडरों के साथ बड़ा कुछ हुआ है, जो सच्चे लीडर थे पाकिस्तान में आए उनके साथ बड़ा कुछ हुआ, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट जो है ना, पंजाब गवर्नमेंट को ये चाहिए था, भरपूर सिक्योरिटी होनी चाहिए थी खान साहब के लिए, और बिल्कुल कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहिए, कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहिए था। चलो ये तो सरफराज साहब से हमने सियासी गुफ्तगू की, इनकी अपनी राय ली कि ये कैसे देखते हैं क्या देखते हैं, लेकिन जो इनका असल काम है आवाम को हंसाना, जैसा कि ये अपने चैनल पर भी आवाम को हंसाते रहे हैं, अब हम अपने चैनल के लिए भी कहेंगे कि कुछ हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा आदत रखिए, ये इसको देखें। नहीं नहीं कुछ देख ले, डॉक्टर ने बुलाओ। आज इनकी भी पेशी है स्टे की। नीति के साथ अपने मेजबान कामरान चौधरी को इजाजत दे, अल्लाह हाफिज़।